गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिका मोहित शर्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैं सोकर उठ गई हूँ और आज है भाई दौज और मैं हूँ अपने मायके में, इसलिए मैं इतनी खुश हूँ। भाई मायके की खुशी तो अलग ही होती है, हर मैरिड लड़की को पता होगा कि मायके जाने की क्या खुशी होती है, अलग ही सुकून होता है। तो गाइज, आज मैं अपने भाई बहनों के साथ भाई दौज सेलिब्रेट करूँगी। मैं लास्ट ईयर नहीं आई थी क्योंकि आई वॉज प्रेगनेंट, तो इस बार इसीलिए आई हूँ क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आई थी। तो अब मेरी दीदी भी आने वाली होंगी, फिर हम लोग भाई दौज मनाएंगे। मैं भी बस नहाने ही जा रही हूँ, रेडी होंगी। भाई तो सो रहा है अभी, चिकू भी सो रहा है। खैर उनको कितनी देर लगेगी, पहले मैं रेडी हो जाऊँ, वो फिर मुझे तैयार नहीं होने देगा। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी अपने ससुराल, मेरे पतिदेव मुझे लेने आ रहे होंगे क्योंकि आज मेरी नंद भी आने वाली हैं, उनसे भी भाई दौज करानी है। तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी प्लीज़, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। इसमें क्या जा रहा है सब्सक्राइब करने में, और तभी तो आप लोगों को मेरी वीडियो सबसे पहले दिखेंगी, वरना सर्च मार मार के देखना पड़ेगा। चलिए, तो कोई नहीं, आप लोगों का मन है वैसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। चलिए फिर, ये भाई दौज से एक दिन पहले का शूट है, जिस दिन गोवर्धन था। तो गोवर्धन वाले दिन मैं अपने मायके में ही थी, तो मम्मी बोली कि जब आई हुई है तो तू ही बना दे। तो शादी से पहले मैं ही बनाती थी, अब शादी के बाद मैंने ये नहीं रखा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही बना देती हूँ। तो मैंने फटाफट बना दिया, सारी तैयारी कर दी, फिर उसके बाद सब ने मिलकर पूजा कर ली। तो मेरे मायके में तो गोवर्धन इस तरह से बनता है, ससुराल में अलग तरीके से बनता है। आप लोगों के यहाँ कैसे बनता है कमेंट में बताना। तो यहाँ पर मम्मी वगैरह सब पूजा कर रहे हैं, चीकू भी इन लोगों के साथ पूजा कर रहा है। चीकू पठान जी, तो चीकू और मैं रेडी हो चुके हैं दौज करने के लिए। हाय चीकू, बोलो, सबको बोलो हाय, हैप्पी दौज। तो बस अब हम करेंगे दौज लकी की। है मेरी बहना दौज करने के लिए, हाय मम्मी, बेचारी ऐसा ही है, आज इनके भैया नहीं आए। कीजी ए कीजी। तो यहाँ पर मैं दौज करने से पहले चौक बना रही हूँ मंदिर के आगे, फिर इसके बाद ही हम अपने भाई की दौज करेंगे। यहाँ पर अब हो रही है चीकू की दौज। पहले हम लोगों ने अपने भाई की दौज की थी, मैंने और मेरी दीदी ने, अब चीकू की दीदी उसकी दौज कर रही है। वो बड़े मजे से टीका करवा रहा था, उसको बड़ा मजा आ रहा था, उसे लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम मजे से बैठा था अपने, और देखो कैसे टीका करा रहा है। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी ताई जी के घर, और मैं अपने भाइयों की दौज करूँगी, अपने तहेरे भाइयों की। ये मेरे सबसे बड़े वाले भैया हैं, फिर उसके बाद छोटे वाले की करूँगी। मैंने उनको रसगुल्ला खिला दिया है, उनके हाथ चुपक गए बेचारों के। तो अब हमने दौज की, फिर उसके बाद गप्पे शप्पे मारी, चाय वाय पी। सबसे ज्यादा रोती है, सबसे ज्यादा एंजल। मम्मी क्या बना रही हो? मैं बेटे गरम गरम आलू की कचौड़ियाँ बना रही हूँ। आए हाय, मम्मी के हाथ का खाना खा के तो सच में मजा आ जाता है, आज बहुत दिनों बाद खाने को मिलेगा।
मम्मी हमारी आज ऐसे ही घूम रही हैं क्योंकि हमारे नहीं आए मामा, तो इसलिए वो ऐसे ही घूम रही हैं। उन्होंने आज गोले पर दौज की है। तो मम्मी अब मैं जा रही हूँ, पता नहीं कब मिलेंगे, अब जल्दी मिलेंगे शायद होली पर। तो किसी वजह से पतिदेव नहीं आ पाए लेने के लिए, तो मेरे दीदी जीजाजी मुझे छोड़ने जा रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ और अब हम करेंगे चंदौसी जाके, वो ससुराल जाके दौज। चलिए अब वहाँ पर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ क्या क्या होगा। तो हम लोग अब घर से निकल चुके हैं, मैं जा रही हूँ अपने दीदी जियाजी के साथ अपनी ससुराल, वो मुझे छोड़ने जा रहे हैं, उनको कुछ काम था वहाँ पर। तो मम्मी बड़ी इमोशनल हो गई थी, रोने लगी थी मैं आ गई थी तो, क्योंकि मिल नहीं पाते हैं बहुत बहुत दिन तक, मुझे भी मम्मी की बहुत याद आती है। तो यहाँ बच्चा पार्टी बैठी है और हम लोग जा रहे हैं अब। और मैं पहुंच चुकी हूं अब अपनी ससुराल। तो मेरी ये नंद है, ये अभी आई थी मेरे पहुंचने के आधे घंटे बाद, और ये है मेरी भांजियां, दोनों मुझसे मिल रही हैं चुपक चुपक कर। तो ये है मेरी बुआ सास और इनसे हम दौज करा रहे हैं, फिर उसके बाद दीदी करेंगी। हाय हेलो, कुछ तो कर दिया कर। हेलो, कुछ करो। लोकल यहाँ चीकू अपनी बुआ जी के साथ खूब मस्ती कर रहा है, खूब हंस रहा है। तो फाइनली दौज का सारा काम हो चुका है, अब तक दौज हुई है, कितने बज रहे हैं, 6:30 बज चुके हैं। सुबह से दौज ही दौज हो रही थी, थक गई हूँ, अब मैं कपड़े चेंज करने आई हूँ और फिर मुझे जाना है दीदी के साथ मार्केट, कुछ उनको सामान लेना है। तो थक गए यार, आज तो बहुत सारा माल मिला है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।